ध्यान नहीं देते, लेकिन आर्टिस्टिक वर्क है, इट्स सो ब्यूटीफुल एंड गुड एफर्ट फॉर दिस नाइन फाउंडेशन एंड एवरीथिंग। सो द पेंटिंग में तो खो जाता है आदमी, जो पेंटिंग करता है वो वहाँ पे हो सीमा, उस दृश्य से जब देखता है तो अलग चीज़ होती है ना, और तब दुनिया को हम लोग जो करते रहते हैं दिन भर का, उसको छोड़ के इसमें निकलना पड़ता है। यू हैव टू कम विद समथिंग न्यू आइडियाज बाय पेंटिंग ओनली, नॉट टू स्पीक, दैट्स द थिंग। एंड देयर आर सो मेनी पेंटिंग विच कैन शो यू समथिंग, दे से समथिंग, व्हेन यू स्लोली लुक एट देम यू कैन फाइंड समथिंग ग्रेट। पहले तो मैं सिडनी लोबो जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आज इतने बड़े इतने सुंदर एग्जीबिशन में हमें बुलाया। बहुत अच्छा एग्जीबिशन है, बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स हैं, और स्पेशली इनकी जो कलर स्कीम है वो देखकर बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस आ रहे हैं। और एग्जीबिशन तो कई होते हैं, लेकिन ये जानकर बहुत खुशी हुई कि ये नैन फाउंडेशन को अपने जो प्रोसीड्स हैं उसका कुछ हिस्सा वो देने वाले हैं। और आज इस एग्ज़िबिशन के बहाने आनंद जी भाई से भी मुलाकात हुई, और एक एक पेंटिंग का उन्होंने हमें मतलब समझाया। और स्पेशली मैं खुद इस क्षेत्र में आने से पहले पेंटिंग करता था, तो मेरी रुचि बहुत है पेंटिंग में। मैं पहले पोस्टर्स पेंट किया करता था, तो प्रेमनगर, जूली, स्वयंवर, स्वर्गनर के मैंने पेंटिंग किए हैं, तो ये मेरा पसंदीदा विषय है।